Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So I hope all are doing well. तो आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये वीडियो सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले है. तो मैं आज शेयर करूंगी कि कौन सा लाइनर सबसे बेस्ट है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड वाटर प्रूफ है. तो मैं हमेशा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदने के पहले हमेशा यूट्यूब में उसका रिव्यू देखने की कोशिश करती हूँ कि कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है. तो ऐसे देख के मैं खरीद खरीद के बहुत ज्यादा ब्रांड इकट्ठा हो गया मेरा. तो आप मुझे रियलाइज हुआ कि इनमें से कौन सा बेस्ट है या मुझे बेस्ट लगता है. तो एक कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल नहीं है, मेरा खुद ओपिनियन है, खुद जो एक्सपीरियंस मैंने किया इस चीज में से मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए. कि मेरे जैसे आप भी कोई ऐसे होंगे कि बहुत सारा आपको लेके फिर आपको रियलाइज होंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए. कि आज का जो वीडियो है आप देखने के बाद एक ही प्रोडक्ट चूज कीजिए और उसमें से आप लीजिए आंख बंद करके, मुझे ट्रस्ट करके, तो जरूर आप सेटिस्फाई होंगे आप ये प्रोडक्ट लेके. तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो आप सबके साथ शेयर करूं. और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए. और अभी तक अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो नहीं किया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए अभी स्टार्ट करती हूँ. तो मेरा जो फर्स्ट लाइनर है लाइफ का, जो मैंने फर्स्ट इसी लाइनर से मैं लाइनर लगाना सीखी हूँ, तो ये है मेबलिन का हाइपर ग्लॉसी लिक्विड लाइनर. एक थोड़ा ग्लॉसी है, एक बिल्कुल मैट नहीं है एकदम. तो इसका नीट वेट है 3 ग्राम. तो इसका ओरिजिनल प्राइस है शायद 300. तो डिस्काउंट के बाद अमेजोन से मैंने इसको 201 में परचेस की. तो इसका क्वांटिटी क्वालिटी और इसका सेल्फ लाइफ 3 इयर्स है तो बहुत ही अच्छा है. तो मैंने ऑलरेडी इसका 2 बोतल टोटली मैंने इसका खत्म किया. तो नेक्स्ट मैंने ये परचेस किया, फिर भी इसको मैंने परचेस किया क्योंकि ये जो लाइनर है ये मैं कहीं पे जाती हूँ तो इसे लगा लेती हूँ तुरंत, और तुरंत जल्दी से इसको रिमूव करने में भी ये बहुत आसान होता है. नेक्स्ट जो मेरा लाइनर है ये है सुगर. तो इसका नाम है ग्लॉस ब्लॉस 24 HR लाइनर. तो ब्लैक है ये. तो ये मैंने 1 ईयर्स पहले परचेस की थी लेकिन अभी इस नाम का कोई मुझे नहीं, मैं ढूंढ रहा था नहीं मिला. इसका पैकेजिंग चेंज हो गए और इसका सुगर का जेल भी आ गए, अभी केज भी आ गए. तो मैं बहुत दिन पहले ही ली थी इसको. तो इसका वेट सुगर का था शायद, इसका नीट वेट तो इसमें लिखा नहीं है और इसका प्राइस भी नहीं लिखा है. 500 के ऊपर इसका प्राइस था. लेकिन इसका जो एप्लीकेटर है थोड़ा, इसका एप्लीकेटर थोड़ा ऐसे है, मुझे ज्यादा पसंद नहीं है इसका एप्लीकेटर. और प्रोडक्ट भी अंदर में जैसे सूख गए होंगे ऐसे हुए है. तो 1 ईयर्स हो गया, मैं इसको कम यूज की हूँ लेकिन इसका एप्लीकेटर नहीं है. तो मैंने जो मेबलिन का एप्लीकेटर आपको नहीं दिखा है वो आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है इसका एप्लीकेटर. देखिए बहुत पतले है और ये जो इसका जो लंबाई है ये भी बहुत बड़ा है तो आपको लगाने में बहुत आसान होता है. तो इसलिए हमेशा के लिए मेबलिन का हाइपर ग्लॉसी मुझे फेवरेट है. और ये थोड़ा मोटा है तो मैं बाद में दिखाऊंगी, सब दिखाने के बाद इसका हैंड्स में स्वाचेस दिखा दूंगी, आप देख लीजिए और मैं बताऊंगी कौन सा सबसे बेस्ट है. तो नेक्स्ट जो लाइनर है मैंने रिसेंटली इसको परचेस की, ये है कालर बार का. तो कालर बार का इसका नाम है कालर बार वाटर प्रूफ लिक्विड लाइनर. तो इसका वेट है 2.5 ml और इसका जो ओरिजिनल प्राइस है कालर बार का तो 425 इसका प्राइस है. और अमेजोन में मैंने उसको परचेस किया 328 में. तो इसका एप्लीकेटर आप देख लीजिए, तो इसका एप्लीकेटर भी ज्यादा पतले नहीं है मेबलिन की जैसे, थोड़ा मोटा है. और इसका क्वांटिटी भी ठीक है, इसका सेल्फ लाइफ भी 3 इयर्स है. तो सब कुछ ठीक है इसमें और अभी तक तो ये अच्छा ही लग रहा है मैं यूज कर रही हूँ. तो ये ग्लॉसी नहीं है, अभी मैंने इसको लगाया यही वाला जो लाइनर है तो ये मैट फिनिशिंग ही है. और मेरा जो नेक्स्ट लाइनर है ये है मेबलिन का जो ड्रामा जेल लाइनर. तो जेल लाइनर जो जिनका फेवरेट है वो इसको आंख बंद करके ले सकते, बहुत ही अच्छा लाइनर है. तो मैंने 6 मंथ से इसको यूज कर रही हूँ. तो पहले मुझे इसका जो एप्लीकेटर है इसको देके यूज करने में मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा था, आंख बंद हो जाता था ऐसे होता था. तो लिक्विड लाइनर लगाने में बहुत आसान हो जाता है उसको ड्रॉ करने में क्योंकि ज्यादा आंख में लगते नहीं है. लेकिन जो ये ब्रश देके आप जब करेंगे तब उसको थोड़ा प्रेशर देके करना पड़ता है क्योंकि जेल लाइनर है थोड़ा ड्राइनेस होता है. तो आपको ब्रश में इसको ऐसे लगा के फिर आपको लगाना पड़ता है. तो इसलिए तो अभी इसका लुकिंग
बिल्कुल अलग होता है। जितने भी लिक्विड लाइनर है वो आप यूज कीजिए और जेल लाइनर यूज कीजिए। देखिए जेल लाइनर का जो लुक है वो अलग है। मैं तो अभी जो रील्स बनाती हूँ इंस्टाग्राम में इसको ही ज्यादा से ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि अभी तक ये अच्छा लगता है ज्यादा। जब मुझे थोड़ा डिफरेंस चाहती हूँ मैं लुकिंग, तब इसको यूज कर लेती हूँ, और जब मुझे जल्दी रहता है तब मैं लिक्विड लगा लेती हूँ, क्योंकि लिक्विड बहुत क्विक में हो जाता है। तो इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा ही है ये जो जेल लाइनर का। तो जेल लाइनर का प्राइस है 500 इसका, तो डिस्काउंट के बाद मुझे 325 में इसको मैं परचेस की अमेजोन से। मैं सब अमेजोन से ही परचेस करती हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ जो लाइनर पेमिक है जेल लाइनर को आप आंख बंद करके मेबरिन का जेल लाइनर जरूर आप एक बार ट्राई कीजिए। तो मेरा जो नेक्स्ट लाइनर है ये है मेबरिन का एक केच लाइनर, तो इसका नाम है मेपली न्यू ग्लॉसी लाइनर। तो एक केज बेस है, तो जो बिगिनर है उनके लिए बहुत बेस्ट है। तो ड्रॉ करना तो इधर इधर नहीं फैलेंगे, बहुत अच्छी तरह इसको कर सकते हैं आप। और ये भी मैट है, बहुत क्विक से आप मैट फिनिशिंग में आ जाते हैं। तो मैं बिगिनर के लिए कहूँगी अच्छा है, तो जो लिक्विड लगाने में थोड़ा अनकम्फर्टेबल है उनके लिए बेस्ट है। तो इनका प्राइस था इसका 420, लेकिन मैंने अमेजोन में इसको डिस्काउंट में लिया 272। तो ये भी इसका प्राइस और क्वांटिटी वाइज अच्छा है। इसका क्वांटिटी 1.2 ml है, उसका भी सेल्फ लाइफ जैसे नॉर्मल होता है सबका ही, तो ऐसे ही है। तो इसका क्वांटिटी क्वालिटी सभी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है बिगिनर के लिए। तो अभी मैं एक एक करके सबका हैंड्स में मैं इसको डेमो दिखाऊंगी, आप देख लीजिए तो आपको पता लग जाएंगे कौन सा बेटर है या कौन सा वाटर प्रूफ है। फर्स्ट में जो यूज करी हुई कलर बार का, देखिए कलर वर्क में हैंड्स पे मैं पहले अप्लाई करूंगी। देखिए मैं कलर वर्क का मैंने अप्लाई किया मेरे हैंड्स पे, फिर मैं शुगर का लगाऊंगी। देखिए अभी मैं शुगर का यूज कर रही हूं नेक्स्ट सेकंड में। तो थर्ड में मैं यूज करूंगी मेपलिन का जो हाइपर ग्लॉसी लिक्विड लाइनर है। देखिए और फोर्थ में यूज करूंगी जो केच लाइनर है मेपलिन का। देखिए और फिफ्थ में यूज करूंगी जो जेल लाइनर है इसको। तो इसको ऐसे ब्रश में लेके फिर इसको ऐसे खींचना है। तो देखा तो इसको थोड़ा सूखने देते हैं, उसके बाद में इसको पानी देके दिखाऊंगी कि कौन सा ज्यादा वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग होगी। तो अभी देखिए थोड़ी देर बाद ये सूख गए हैं, तो सूखने के बाद इसका आप देख लीजिए कैसे मैट फिनिशिंग है या ग्लॉसी है। तो ये जो नंबरिंग है एक जो कलर वर्क का है, मैंने इसलिए इधर सी लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल मैट फिनिशिंग है। और जो ये शुगर का है तो शुगर का थोड़ा ग्लॉसी है, और मेबलिन का जो लिक्विड है हाइपर ग्लॉसी वो भी थोड़ा ग्लॉसी है। लेकिन जो नेक्स्ट जो मेबलिन का जो केज है ये वाला, तो ये बिल्कुल मैट है। और जो मेबलिन का जेल लाइनर है ये तो देख के आपको पता लग रहे होंगे एकदम मैट फिनिशिंग है इसका। तो अभी मैं पानी दे के आपको दिखाऊंगी कौन सा वाटर प्रूफ है, ज्यादा टाइम लॉन्ग लास्टिंग होंगे। तो फैन का आवाज थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि गर्मी में बहुत दिक्कत हो रही थी फैन बंद करके वीडियो बनाना, क्योंकि फैन का जो आवाज है वीडियो में आ जाता है, इसलिए क्लियर साउंड नहीं आता इसलिए। तो अभी देखिए मैं थोड़ा स्प्रे में करके मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं एक साथ सब में पानी स्प्रे करूंगी। मैंने सब में मैंने पानी स्प्रे किया, आपने देखा। तो फिर मैं हाथ से थोड़ा इसको रब करूंगी, देखिए देखिए।
देखिए थोड़ा सा रगड़ने से जो सब निकल, मतलब बिल्कुल थोड़ा ही रगड़ने से सब निकल रही है देखिए। तो फास्ट वाला जो है कलर वर का, इसको भी मैंने रगड़ा किंतु जल्दी से नहीं उठा, देखिए रिमूव नहीं हुई है जल्दी से। और जो शुगर का है ये तो देखिए शुगर का तो हो ही गई है, थोड़ा थिकनेस था तो फिर मैं पानी देके जब इसको हाथ में थोड़ा सा ही किया ये चले गए। तो नेक्स्ट था मेबलिन का जो हाइपर ग्लॉसी, मैंने कहा कि ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, पानी डालने के बाद आप थोड़ा रब करेंगे तो चले जाएंगे। और जो केश है, केश भी थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है मैंने देखा। और जो जेल है सबसे देखिए बेटर है, देखिए इसको आप ज्यादा रगड़िए थोड़ा थोड़ा निकलेंगे, बिल्कुल नहीं ये एकदम नहीं निकलेंगे। मैंने सबको प्रेस किया लेकिन जो एंड में था देखिए, एंड तक कौन सा है कलर बार और मेबलिन का जो ड्रामा जेल लाइनर है, तो पता ही लग गए होंगे आपको कि कौन सा अच्छा वाटर प्रूफ है। अभी देखिए मैं सजेस्ट करूंगी, मैं अभी नंबरिंग दूंगी कि कौन सा बेस्ट है, सबसे कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आएंगे, मैं अभी बता देती हूँ आप सबके साथ। तो फर्स्ट नंबर में मेरा जेल लाइनर हमेशा है रहेंगे, क्योंकि ये लुकिंग भी अच्छा है और ज्यादा टाइम लॉन्ग लास्टिंग भी है, और इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है लेकिन आप अमेजोन में परचेस करेंगे तो अच्छा होंगे। तो आप बिगिनर है तो इसको मत लीजिए, क्योंकि बिगिनर के लिए थोड़ा मुश्किल होंगे, और आप लगाना आपको आता है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और आप जरूर मेबलिन का जेल लाइनर रखिए, फर्स्ट नंबर में इसको दूंगी। और सेकंड जो है कलर बार, तो कलर बार का एंड तक है अभी तक आपने देखा, तो कलर बार का प्राइस क्वांटिटी सेल्फ लाइफ इसका सब कुछ अच्छा है। तो इसका एप्लीकेटर थोड़ा मोटा है लेकिन थोड़ा यूज करते करते हो जाएंगे। तो सेकंड नंबर में मैं ये जरूर इसको मैं रखूंगी, क्योंकि ये मैट फिनिशिंग भी है मैंने जो अभी लगा के रखी हूँ। तो सेकंड ये है, जो थर्ड है मैं थर्ड हमेशा में मेबलिन का जो हाइपर ग्लॉसी मेरे जो फास्ट लाइनर लाइफ का है, ये जल्दी चले जाते हैं लेकिन रेगुलर बेस में अच्छा है, आपको मेकअप रिमूवर देके रिमूव करना नहीं पड़ेगा। और इसका एप्लीकेटर भी बहुत लॉन्ग है, मैं पहले ही दिखा दिया। और इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है, 201 का है, तो इसलिए मैंने इसको थर्ड पोजिशन में रखा। और फोर्थ पोजिशन में है जो मेबलिन का जो केच वाला है, तो बिगिनर के लिए बहुत बेस्ट है और इसका प्राइस क्वांटिटी सब बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने इसको फोर्थ रखा। और फिफ्थ मैंने शुगर को रखा, क्योंकि शुगर का प्राइस ज्यादा है, तो इसका प्राइस वाइज क्वालिटी इतना भी ज्यादा नहीं है, अच्छा है, तो इसलिए मैंने इसको, इसका 500 के ऊपर इसका प्राइस है, इसलिए प्राइस के लिए मुझे इसको फिफ्थ स्थान में रखना पड़ा, अदरवाइज चलेगा ये। तो आपने अभी देख लिया डेमो, तो अभी आप डिसाइड कीजिए आप कौन सा लेंगे। तो आपने देखा कि मैंने सबका डेमो भी दिखा दिया और सबका पोजीशन भी मैंने बता दिया, तो आप अभी डिसाइड कीजिए आपको कौन सा चाहिए। आप बिगिनर हो तो आप केश में जा सकते हैं, और आप थोड़ा सस्ते में अच्छा ढूंढ रहे तो आप मेबलिन हाइपर ग्लॉसी में जा सकते हैं जो वे वाला है, और आप थोड़ा प्राइस है लेकिन थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग ढूंढ रहे तो जरूर आप कलर बार में जा सकते हैं, या आप मेबलिन का जेल लाइनर जा सकते हैं। तो अभी यही था मेरा डेमो। तो मेरा वीडियो कैसे लगा आपको, और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे होंगे, जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, बाय बाय।